नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग तो दोस्तों टॉपिक आपके सामने में है हॉट स्टॉक है ना हॉट स्टॉक गर्मी का सीजन चल रहा है और गर्मी के सीजन अभी देखिए इस साल हर दर साल बढ़ता जाता है गर्मी है ना आप समझिए आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा होगा इसके लिए टेंशन नहीं लेना है बस आप मुद्दा समझिए मुद्दा ये कि काफी ज्यादा गर्मी है और हर साल ये इंक्रीज ही होता जाता है एक डेढ़ डिग्री बढ़ ही जाता है ना अब आपको ये प्लान करना है कि इस समर सीजन में जो जब भी आता है इस समर सीजन में डिमांड क्या क्या होता है उस स्टॉक्स को आपको समर सीजन होने के पहले यानी स्टार्ट होने के पहले पकड़ना रहता है लगभग मार्च वगैरह में फरवरी मार्च में उसको रडार पर ले आना रहता है अप्रैल से उसमें तेजी देखने को मिलती है और ये लगभग लगभग अगस्त सितंबर तक लगभग चलता है हो सकता है उसके बाद भी चले एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं कि चलेगा ही चलेगा कुछ साइडवेज भी हो जाते हैं है ना ऐसी सिचुएशन होती है लेकिन आपको किस किस तरह के स्टॉक्स पर नजर रखना चाहिए इस टॉपिक पर आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया तो देखिए पहले तो आपको ना समर समर सीजन में क्या-क्या काम होता है उस काम पर पहले आपको फोकस करना है जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर इसमें जो है सबसे पहला समर सीजन में देखिए जो काम होता है दो-चार काम पहला सबसे पहले तो देखिए क्या होता है कि बच्चे का नया सीजन शुरू होता है तो आपको कॉपी पेन और ये सब पे काफ़ी डिमांड बढ़ जाता है नहीं यानी कि आप समझिए कि स्टेशनरी प्रोडक्ट बढ़ जाता है नहीं बढ़ता है दूसरा ये पहला और दूसरा उसके बाद गर्मी छुट्टी होती है समर वेकेशन होता है तो आप इसमें समझिए कि समर वेकेशन भी हो गया यानी कि समर नहीं लिखे आप वेकेशन भी लिख सकते हैं क्योंकि समर का तो ये बना ही रहा तीसरा क्या होता है इसमें गर्मी चूँकि बढ़ जाती है तो इसमें फैन है ना एसी कूलर ये सबका डिमांड बढ़ जाता है आप इसमें चाहें तो फ्रिज भी लिख लीजिए है ना इसमें आप चाहें तो आ, हाँ फ्रिज फ्रिज भी लिख सकते हैं चौथा ये तीन चीज तो हो गया दूसरा अब इसमें देखिए स्टेशनरी इस में अब आपको ये समझ के चलना है कि स्टेशनरी में ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिस जो काफी ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और जिसका डिमांड रहता है इसी तरह से आप वेकेशन तो वे वेकेशन से रिलेटेड कितने टाइप का स्टॉक होता है देखिए वेकेशन में भी डिपार्टमेंट है एक टिकट बुकिंग है ना टिकट बुकिंग और ये ये साथ साथ प्लानिंग ये, क्या कहते हैं 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 पैकेज पैकेज भी देते हैं। पैकेज भी देते देते टिकट बुकिंग वाली वेबसाइट सब तो आपको ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जो टिकट बुकिंग के साथ साथ पैकेज भी देता है दूसरा होटल्स है ना जब वेकेशन में जाइएगा तो होटल में रुकिएगा कि नहीं रुकीगा तो ये सारे पार्ट बन जाते हैं तो इस तरह के इस पार्ट को आपको पहले से आइडेंटीफाई क्या करना रहता है आइडेंटिफाई पहले से पता करके रखना रहता है और ये कॉमन सेंस है इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होता है बिल्कुल कॉमन सेंस है अब देखिए समर वेकेशन समर आने के बाद क्या होता है ना डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो ओ एक दवाई होता है मेडिसिन आपको ओ पीने का भी जरूरत पड़ता है डॉक्टर लोग बोलते हैं तो ओ कौन सा स्टॉक्स बना शेयर बनाता कंपनी बनाता है उस पर आपको फोकस करना रहता है तो इस तरह के तो जैसे कि मैंने स्टेशनरी से कहा तो जैसे देखिए स्टेशनरी जैसी वर्ड मैंने बोला तो दिमाग में स्टेशनरी में कौन कौन सा वर्ड आ रहा है कौन कौन सा स्टॉक आ रहा है आप उसको देख लीजिए नवनीत एजुकेशन एक स्टॉक हो गया नवनीत एजुकेशन है ना मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये चार सौ हो जाएगा ये पांच सौ मैं कह रहा हूँ कि आप इसके मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और इस ऐसे फंडामेंटल स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं नवनीत एजुकेशन कॉपी बनाती है बहुत ही जबरदस्त आई टी सी आई टी सी को भी पकड़ के चल सकते हैं ये भी आपका क्लासमेट वाला बनाता है ना ठीक है देखा ब्रेकआउट हो गया गर्मी आते आते उसके बाद क्या है लिंक पेन, है ना लिंक, लिंक पेन देखिए कहा चार सौ सत्तर से हो गया छह सौ दो आप समझ रहे मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ आप मुद्दा समझ रहे होंगे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप उस स्टॉक्स को पिक करके मनी को अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं बढ़िया स्टॉक्स में जो कि सीजन 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 बेस्ड बेस्ड होता होता है 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 चलता तो तो देखिए कलम की की जरूरत जरूरत हमेशा पड़ती लेकिन ये सीजन, इसका डिमांडिंग सीजन होता है ना इस वजह से यहाँ पर आपको ज्यादा इसकी खपत हो जाती है इसलिए स्टॉक्स में यहाँ पर अचानक से आपको मूवमेंट आ जाता है दूसरा क्या होता है फ्रिज एसी कूलर तो आप देखिए वोल्टास देखिए वोल्टास में क्या रौनक आया वोल्टास देख रहे हैं कहाँ चला गया तेरह सौ लास्ट टाइम तो चौदह सौ तक के आसपास चल गया था कहाँ से हजार से सीधे चौदह सौ गया तो चार सौ प्वाइंट अगर एक महीने में बढ़ रहा है तो आप समझ रहे कितना जबरदस्त मूवमेंट कर रहा है ये सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए देखिए पोर्टफोलियो समर पोर्टफोलियो आप इसको नाम दे सकते हैं समर स्टॉक्स पोर्टफोलियो आप इसको नाम दे सकते हैं और अपना स्टॉक को पिक कर सकते हैं इसी तरह जैसे कि वोल्टास के बाद आप समझिए सिम्फनी है ना कूलर में सबसे बड़ा नाम है सिम्फनी सिंफनी आप देखिए जबरदस्त कहां देखिए आठ सौ से या 800 पकड़ ले 824 से 977 हो गया 980 हो गया हैवल्स हैवल्स देखेंगे Havels को देखिए हैवल्स अस्सी चला गया हैवल्स इंडिया ये देखिए जबरदस्त ब्रेकआउट हो गया चौदह से पंद्रह तो इस तरह के स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं है कि नहीं तो अभी आपको मैंने क्या कैसे किस किस में बताया देखिए अभी मैंने आपको क्या क्या बोला स्टेशनरी का बता दिया अभी मैंने फैन एसी कूलर वगैरह सब बता दिया ठीक है और उसको पकड़ लिया इसके अलावा और इसके अलावा हम लोग चले तो वेकेशन में देखिए टिकट बुकिंग से लेकर सब कुछ करने में इज माई ट्रिप है ना इज माई ट्रिप चालीस से लेकर देखिए छियालीस चला गया इसके अलावा आप चलिए दी इंडियन होटल्स है ना दी इंडियन होटल्स इंडियन होटल्स आया इंडियन होटल्स इसके आगे दी लिखेंगे ना तब आएगा इंडियन है आगे देखिए जबरदस्त आ गया पांच से 600 सौ गया मैं बस एक महीने का परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ कि अगर मार्च में भी पकड़े रहते तो आपके पैसे बन जाते ठीक है इसके अलावा आप समझिए लेम ट्री होटल है ना लेमन ट्री होटल देखिए 125 सौ से 140, एक एक महीना पहले भी पकड़े रहते आपके पैसे बन जाते इसी तरह तो इसमें आ गया किस में आ गया वेकेशन में आ गया है ना टिकेट बुकिंग में आपका इज माई ट्रिप हो गया पैकेज में भी हो गया ये होटल्स हो गया आपका इंडियन होटल्स लेमन ट्री और जो कहा कि ओआरएस वगैरह बनाती, तो ओआरएस एक बहुत ही जबरदस्त इलेक्ट्रोल पाउडर बनाती वो बनाता है एफडीसी इनर्जेल वगैरह भी बनाता है तो आप देखिए कैसे 420 से तुरंत 454 हो गया कहने का मतलब है कि अगर आपको 20% का प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट एक मंथ में किसी एक मंथ के लिए ही बात समझिए मुद्दा मैं मुद्दा पे आपको समझाना चाह रहा हूं इस एक मंथ में ही अगर ये ट्वेंटी परसेंट बना देता है वो भी सीजन बेस्ड स्टॉक तो उम्मीद है कि आपकी आंखें खुल जाती है कि भाई एक महीने में बीस परसेंट बन रहा है पंद्रह परसेंट बन रहा है तो क्या जबरदस्त बन रहा है बहुत ही जबरदस्त बन रहा है ना और हमें तो सिर्फ एक डेढ़ महीने के लिए देखना होता है क्योंकि ये क्या है एक थीम तरीके से आप पकड़ सकते हैं थीम बेस्ड स्टॉक थीम है क्या थीम है तो समर थीम है, है ना थीम बेस्ड स्टॉक हो जाता है आप, थीम इस पकड़ के आप इसको रपेट सकते हैं रख सकते हैं आपको अपने पोर्टफोलियो में देखना चाहिए इन विंटर की तैयारी अगस्त सितंबर से शुरुआत कर लेना चाहिए और उस वक्त जो विंटर में काम होगा विंटर के हिसाब से उस टाइप के कौन से स्टॉक्स होंगे वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ठीक है और उम, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर आपने किसी ने इस सब स्टॉक में पोजीशन बना रखा है या आपके पास और भी इसी रिलेटेड कोई स्टॉक इस है इसी सब थीम बेस्ड रिलेटेड स्टॉक है तो आप मुझे वो भी बताइएगा बाकी ये मेरा एक एजुकेशनल वीडियो था कि आप थीम बेस्ड स्टॉक पकड़ के भी आप अपने पैसे बना सकते हैं एक डेढ़ महीने दो महीने का व्यू रख के भी आप देख रहे हैं ना मार्च में भी इन्वेस्ट करते तो अप्रैल मई में, में पैसे आपके बन रहे हैं क्यों क्योंकि सीजन है भाई आपको सीजन पकड़ना आना चाहिए और सीजन अगर आप पकड़ लेंगे तो आपके पैसे बन सकते हैं खैर यहाँ पर कोई प्रश्न बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ यहाँ बस एक आइडिया बता रहा हूँ कि आप सोचें अपने बारे में कि क्या आप इस तरह से कर सकते हैं या नहीं कर सकते ठीक है तब तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद